Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार से शुरू हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली बीजेपी की इस महाबैठक में लोकसभा चुनाव का रोड मैप रेडी होगा और इस दौरान 2 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नीलेश राणे के काफिले पर हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सांसद नीलेश राणे की कार पर पथराव हुआ, जिसके बाद शुक्रवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 समन के बाद शनिवार को ईडी कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़ रहे हैं। 17 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का कहा था। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरपंच सिंह पंडेर ने कहा कि सरकार अध्यादेश के जरिए एमएसपी पर कानून ला सकती है। एक बार सरकार कानून लाने का फैसला कर ले तो समस्या का समाधान हो जाएगा। म्यांमार में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया गया कि म्यांमार में भूकंप 9:25 पर आया है और इसके रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.4 मापी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के अन्नदाता किसानों के लिए मोदी सरकार अभिशाप है। लगातार झूठी मोदी की गारंटी के चलते ही पहले 750 किसानों की जान गई और अब कल एक किसान ने शहादत दी। कांग्रेस कोटे के 4 पुराने मंत्रियों को दोबारा चंपई सोरेन कैबिनेट में जगह दिए जाने से झारखंड कांग्रेस के लगभग 1 दर्जन विधायक नाराज है। नाराज कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि शपथ ग्रहण में हम लोग कांग्रेस के प्रभारी के आग्रह पर शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का कहना है कि यह यात्रा वाराणसी से शुरू होगी। राहुल गांधी और सभी नेता काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। बिहार के किशनगंज में सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम अधिक संसदीय सीटों पर उम्मीदवार उतारने की सोच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बिहार विपक्ष भाजपा को नहीं रोक सकते। कर्नाटक कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन आज आयोजित होगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री सह प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत कई मंत्री एवं नेता इसमें शामिल होंगे। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के बनभुलपुरा थाना क्षेत्र में कर्फ्यू में राहत जारी की। गौजा जाली FSI गोदाम क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बनभुलपुरा थाने के बाकी इलाकों में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अवदेविका पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन का ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मदद की गुहार लगा रहे थे ताकि यूक्रेन की सेना अवदेविका को बचा सके, लेकिन वह काम नहीं आ सकी। मुंबई के गोवंडी इलाके में एक चौल में आग लगने की खबर है। मुंबई के गोवंडी इलाके के चौल में ये आग शनिवार तड़के लगी है। एक अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि शनिवार तड़के मुंबई के गोवंडी इलाके में एक चौल में आग लगने से लगभग 15 व्यावसायिक इकाइयां और कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम बारामती से जो भी उम्मीदवार खड़ा करे आप उसे जिताए, तभी मैं यहां से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। सांसद सय्यम इम्तियाज जलील ने इस बार मुंबई से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि AIMIM को अक्सर भाजपा की बी टीम कहने वाले लोग अब इसकी गोद में बैठे हैं। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी नेता उनसे टकराव चाहते हैं और चुनौती देते हैं तो वो इसके लिए तैयार है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बैटर युवराज सिंह के घर पर चोरों ने लंबा हाथ मारते हुए नकदी और ज्वेलरी पार कर दी है। युवराज के पंचकुला वाले घर से चोरी की वारदात सामने आई है। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ी हाथ में काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे हैं। BCCI ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में दुनिया को अलविदा कहने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर दत्तात्रेय गायकवाड़ की याद में ऐसा किया गया है। इस वक्त तेजा सज्जा का नाम हर किसी की जुबा पर चढ़ा हुआ है, वजह है हनुमान। 25 करोड़ के बजट में बनने वाली इस पिक्चर ने वो कमाल कर दिखाया जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स नहीं कर सके। अब इसका सीक्वल भी बनने जा रहा है। जय हनुमान की शूटिंग शुरू होने से पहले तेजा सज्जा एक्शन अवतार में दिखने वाले है।
रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म शक्तिमान लगातार चर्चा में बनी हुई है। खबरों की माने तो इस पिक्चर की शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज़। नमस्कार।